हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिले। और एक दिन में मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे रहती हूँ, मैंने सोचा आज ये शेयर करूँ। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। देखिए, मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक तैयार किया है। इसको खाने से खाना पचता है। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पचती नहीं है और बच्चों को नुकसान करती हैं। तो ये खाने से एक फ़ायदा होता है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ करके ये इतना खाती हूँ और एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद आगे कुछ खाती पीती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ एक गिलास दूध और ये इतना ड्राई फ्रूट। पहले तो समझ ही सकते कितना ज़्यादा खाना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने कम कर दिया, इसलिए मैं बहुत पतली हूँ तो और मोटी नहीं होना चाहती, इसके लिए मैंने इतना ही खाना चालू किया है। तो खा के मिलते हैं आपसे आगे। अब करते हैं रोल सही, और दूध पी चुकी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बाबू सोते हैं, यहाँ पे सिया और सिया के पापा। तो सिया कभी अपने पापा के पास सोती है, कभी दादी के पास, क्योंकि इस पे उनको डर लगता है कि कहीं बाबू दब ना जाए, इसलिए वो नीचे सोते हैं। तो रूम सही करके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा रूम क्लीन हो गया और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, किचन साफ करने। तो यहाँ पे अब मैं किचन में रोल नहीं बना है, इसलिए मैं इस तरह सारे डिब्बे रखी हुई हूँ। देखिए आप लोग, जब रोल बन जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरा सफाई चालू है और खुला रहता है डिब्बा रखा तो ज़्यादा गंदा होता है, हफ्ते दिन पे हमेशा साफ़ करना पड़ता है। तो मिलती हूँ आपसे किचन क्लीन करके। मैं अपनी चाय और साथ में देखिए मेरी अभी सफाई चल ही रही है। मिलती हूँ आपको पूरी सफाई करने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरे हो गए है किचन की सफाई एकदम चकचक। अभी एक साइड क्लीन हुआ है और ये साइड पूरा बाकी है। तो ये अभी सिया को फ्रिज भी के ऊपर भी साफ़ करना है। तो अभी सिया को स्कूल लेने जा रही हूँ, तो लेट होगा तो नहाने जा रही हूँ, नहा के आऊँगी तो फिर ये वाला साइड अगर टाइम मिला तो क्लीन करूँगी। देखिए ये भी कबाड़ा हुआ है। ये है मेरा छोटा सा किचन और ये बालकनी किचन की। तो नहा के मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई और अब सिया का टाइम हो गया है स्कूल से लेने का, तो उसके लिए लेकर के इनको शौक लगता है मेरी तरफ बैठने का, ये मेरी तरफ बैठी है और आज के आगे साथ जा रहे हैं। ये सिया को कैसे बैठने का सर, इसकी मम्मी आ गई है लेने, बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर मैं डॉक्टर से, मतलब मेरे सोसाइटी में ही कैंप लगता है 24 तारीख को, डॉक्टर से पूछने इधर ही दिया था तो आगे वाला आज लग सकता है। तीन दिया था तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कार्ड लेके आइए और जैसा अभी तो 3 महीना पूरा हुआ है। तो उस दिन एक मैं जा रही हूँ बाबू को तस्वीर लगाने और मेरा बाबू अब रोएगा, मुझे तो बहुत डर लगता है लेकिन कोई था नहीं इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं तस्वीर लगवा ली हूँ और इतना रोया है कि मेरा हिम्मत ही नहीं किया कि मैं वहाँ वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए नहीं बनाई। और बेचारा रो रो के थक गया है और डॉक्टर ने बोला है कि इसको बर्फ़ से सकाई करना है, तो घर चल के वो करते हैं। और ये अच्छा है कि
हमारे बिल्डिंग में ही कैंप लगता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। वो मंथली मंथली आती है और हर बिल्डिंग में बता के जाती हैं क्या सुई लग रहा है, तो हम लोग इजली जा कर के छरवा लेते हैं। तो बनी रही वीडियो में, मिलते हैं आगे। देखिए जो सुई लगा है बाबू को उसका सिकैया हो रहा है, डॉक्टर ने बोला दोनों पैर पे ही लगा है मेरे बाबू को। और मेरा बाबू बहुत रोया है, अब थोड़ा ठीक है। इसमें तो उतना बुखार नहीं चढ़ता है, लेकिन इसके पहले वाला जो था उसमें तो इतना बुखार, दो दिन हालत ख़राब हो गई थी इसकी, लेकिन आज ठीक है। उससे कहिया हो रहा है, दो चार बार बुखार की दवा पिलाई हूँ तो सही हो जाएगा। तो अब होगा मेरे बाबू का मालिश, इसके बाद वो नहाएगा और तब जाके हम लोग को थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलेगा। बाबू बाबू सिया, होमवर्क कौन करेगा बेटा? तो आज टीचर को बोलती हूँ, मेरे को तो जल्दी होमवर्क करूँ। बाबू बोलो, इधर दे सिया, चलो जल्दी होमवर्क करो। चलो यहाँ पे सिया जी का होमवर्क हो रहा है, चलो आओ जल्दी आओ। बाबू बहुत मन भरना बना, तू अपन यहाँ चुपचाप बाबू सुनो लाला गया है। और अब हम जाके, हम और मम्मी दोनों जा रहे, और बाबू भी मेरा नहा धो के रेडी हो गया है, अब ये सोएगा तो हम लोग भी थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद कुछ चाय नाश्ता होगा। सबको कह दो हाय, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। गुस्सा है भाई आप लोग से, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, इसके लिए नहीं बेटा। तेजू बड़ी है ना, तुमको तुम्हारी तबीयत का भी एग्जाम बाकी है ना, पैड है बिठे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, और फिलहाल ये पैकेट वाला है जो रेडीमेड आता है, बस तलना रहता है, और एक तरफ चाय। तो अभी ये हम लोग का शाम का नाश्ता है। तो हाँ बेटा क्या प्लीज, और सिया को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो हम रखे रहते हैं अक्सर अपने फ्रिज में, क्योंकि ये कभी भी जीत करने लगते हैं, मुझको फ्रेंच फ्राइज खाना है। मम्मी भी यही करना क्या? नहीं बेटा, तभी तो एग्जाम खत्म होगा तब पीना, फिर गाने जाना है क्या? तबीयत खराब हो जाओगी, पापा टिकट कैंसिल कर देंगे, पापा बोलेंगे फिर टिकट कैंसिल, सिया का तबीयत खराब है। अब सोच लो गाँव जाना है नहीं जाना है, जाना है ना? हाँ तो फिर। और यहाँ पे फ्रूट्स ये भी सो के उठने का सब लोग खाते हैं, तो मिलते हैं आपसे। ये देख लीजिए बड़े चाचा फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं और मैं भी खाने जा रही हूँ, चलो देखते हैं कैसे खाते हैं। ये देख लीजिए कैसे खा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये कैसे उल्लू बना रहे हैं। जाओ तो अपना खाओ, जाओ बोल रहे हैं जाओ कैसे खाओ, जाओ ये जो बना रहे हो कैसे आप लोग वीडियो बनाते हैं? बैक कैमरा चालू करिए क्या, ये कैसा आप लोग करते हैं? ये देखो ताजी माँ मेरी छिलका छिल दिया, और इसके लिए बोल रही है तो फ्रेंच फ्राइज खा लो, मम्मी बोल रही है दादी के लिए ले रही है, दादी के सामने खाओ, ये बोल रही है बोल रही है देखो हमारी यहाँ बहुत धूप हो रही है, उसके लिए तो मैं बोल रही मम्मी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो, मम्मी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो, फिर इसके लिए मेरे लिए ना लेके घूम रही हूँ, बात थोड़ी ना तेरे फेस दिखना चाहिए ना, ऐसे फेस नहीं दिखेगा तो हाँ ऐसे फेस दिखना चाहिए। इसके लिए मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी मुझे चाहिए फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज इसके लिए तो बना दिए, देखो मेरा फ्रेंच फ्राइज कहाँ है। चलो हम दिखाते हैं कि सिया खाने जा रही है फ्रेंच फ्राइज अपना, यहाँ इसके चाचा और सिया मिलके खाएंगे। बेटा गरम है हाँ, आराम से खाना। तो आज मैं अभी गई थी मार्केट, मार्केट से सब्जी और फल ले आने, और इतनी महंगाई है कि मत पूछिए कि क्या बताऊँ। तो दिखाते हैं आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ देखिए मैंने लाया है लौकी, और ये है आलू, और वो लौकी आपकी 30 रुपये की है, और ये आपकी मेथी जो है ये भी 30 रुपये की है,
और ये लहसुन 50 रुपए का है और ये धनिया 20 रुपए का है और ये अंगूर 100 रुपए का है और ये भिंडी आपकी है कितने की है, 30 रुपए की है। हाँ 30 रुपए की है। तो ये है सब्जी और एक बार जाइए 500 लेके जाइए और वापस लेके मत आइए, कुछ ऐसा हाल हो गया है मार्केट का तो। और फिलहाल अभी देखिए मम्मी यहाँ बना रही हैं आलू की पूड़ी, तो खा के आपको ज़रूर बताऊँगी कैसा है, ऐसे बहुत टेस्टी लगता है।